डिज्नी हॉटस्टार की कुछ ऐसी वेब सीरीज जिसकी स्टोरी आपको सच में माइंड ब्लोइंग लगने वाली है और ये सभी वेब सीरीज आपको किसी भी तरह से बोर नहीं करने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में, जिन्हें आप चाहे तो देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर। और ये सभी वेब सीरीज रिलीज की गई है 2023 में और इन सभी वेब सीरीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नंबर 10, शैतान सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे फैमिली से जो कि अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्राइम का रास्ता चुनती है, और क्राइम का रास्ता चुनने के बाद उनकी लाइफ कैसी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज रिलीज की गई है डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 9, कमांडो सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे इंडियन एजेंट से जिसे पाकिस्तानी बंदी बनाकर रख देते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी इंडियन एजेंट होते हैं जो कि अपने दोस्त को पाकिस्तान से छुड़ाकर लेकर आना चाहते हैं, और वो अपने इस मिशन को किस तरह कामयाब करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 8, केरला क्राइम फाइल्स सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक पुराने होटल से जहां पर एक प्रोस्टिट्यूट की डेड बॉडी पाई जाती है, और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। पुलिस किसी भी तरह से इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है, और पुलिस इस केस को किस तरह 6 दिन में सॉल्व करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 7, मथागम सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे गैंगस्टर से जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में पहले से ही मारा जा चुका होता है, लेकिन अचानक से ही पुलिस को पता चलता है कि वो गैंगस्टर जिंदा है, और पुलिस किसी भी तरह से उस गैंगस्टर को पकड़ना चाहती है, और लास्ट तक पुलिस अपने इस मिशन को किस तरह कामयाब करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 6, ताज़ा खबर सीरीज बेस्ड है एक्शन थ्रिलर एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है वसंत से, जिसे फ्यूचर देखने का एक अच्छा खासा जरिया मिल जाता है, लेकिन असल में ये फ्यूचर देखना उसके लिए वरदान साबित होता है या फिर अभिशाप ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज रिलीज की गई है डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.1। नंबर 5, द नाइट मैनेजर सीजन 1 सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक नॉवल से ली गई है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे आर्म डीलर से जो कि इलीगल काम कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक नाइट मैनेजर जो कि किसी भी तरह से इस आर्म्स डीलर को पकड़ना चाहता है, और लास्ट तक वह अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 4, सास बहू और फ्लेमेंगो सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है सविता से जो कि ड्रग्स का धंधा चला रही होती है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स होते हैं जो कि सविता को किसी भी तरह से पकड़ना चाहते हैं, लेकिन लास्ट तक ये सभी पुलिस ऑफिसर सविता को पकड़ने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज रिलीज की गई है डिज्नी हॉटस्टार पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। नंबर 3, दया सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है दया नाम के एक ट्रक ड्राइवर से जो कि अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उसके ट्रक में एक लड़की की डेड बॉडी पाई जाती है, और उसी दिन से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाती है। दया किसी भी तरह से इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता है और ये भी पता लगाना चाहता है कि इस डेड बॉडी के पीछे असल में रहस्य क्या छिपा है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 2, काला सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक CBI ऑफिसर से जो कि किसी भी तरह से लगभग 14,000 करोड़ के गमन को रोकना चाहता है, और लास्ट तक वो अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज के और भी बहुत सारे पहलू हैं और वो सभी पहलू आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8।
और लास्ट ऑन नंबर वन पर हम बात करेंगे द फ्रीलांसर सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अविनाश से, जिसे एक खतरनाक टास्क दिया जाता है, लेकिन यह टास्क रिलेटेड रहता है उसकी ही एक दोस्त की बेटी के साथ। उसकी बेटी जो कि शादी करने के बाद अपने शौहर के साथ हनीमून मनाने के लिए जाती है, लेकिन उसके शौहर उसे सीरिया ले जाकर आतंकवादी बनाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच अविनाश किसी भी तरह से उस लड़की को इंडिया वापस लेकर आना चाहते हैं, और लास्ट तक वो अपने इस मिशन को किस तरह कामयाब करते हैं ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज रिलीज की गई है डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 8.3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।